नया कुछ ट्राई करते हैं यार, नया कुछ अपन लेके आते हैं। तो आखिर कब तक ऐसे खाली बैठूंगा। सो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल नितेश शर्मा व्लॉग। तो भाई खाना वाना खा के हो गए तैयार। आप कह रहे हो गए कि लाइट क्यों नहीं है, लाइट वगैरह क्या सीन है ना यार, सुबह से लाइट गई हुई है और हमारा जो इन्वर्टर है उसने सिटी मार दी है। सुना, पता नहीं आपने सुना नहीं सुना, लेकिन उसकी सिट्टी बजी हुई है। क्या है ना कि सुबह से लाइट गई हुई है, 4-5 घंटे हो गए लाइट गए, 4-5 तो नहीं है, 3-4 घंटे हो गए लाइट गए हुए। और 3-4 घंटे में हमारा इन्वर्टर डाउन हो जाता है, क्योंकि इसकी बैटरी होगी वो थोड़ी पुरानी हो चुकी है, उसके अस्तरबंद ढीले हैं। वो कहती हैं भाई हमसे ना हो पाएगा। और देख सकते हो धूप वूप अच्छी आ चुकी है, कमरे में धूप बढ़िया आ चुकी है। और हाँ यार, रजाई मैंने नहीं उठाई, क्योंकि उठानी चाहिए थी, 9 बजे उठा के पैक करके रख दो, क्योंकि यार आज ठंड ने फिर से दस्तक दे दी है। और धूप भली निकली है लेकिन ठंड है अभी भी, डबल डबल जैकेट पहननी पड़ी है और रजाई में बैठने का मन ही करता है, तो मैंने नहीं समेटी, अलग ही समेट देनी चाहिए थी। और लाइट नहीं है, काम हमारा चौपट हो चुका है। हालांकि ये जो लैपटॉप है, लैपटॉप कितनी देर चल जाता है यार, लैपटॉप मेरे ख्याल से 5-6 घंटे तो मेरा निकाल देता है, बिना पावर सप्लाई के 5-6 घंटे निकाल देता है। मैं काम वगैरह कर भी सकता हूँ, लेकिन वो क्या है ना यार, नियत भी ख़राब है हमारी। तो आज मैं आप सभी को एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि नया कुछ ट्राई करते हैं यार, नया कुछ अपन लेके आते हैं। कि मैंने एक चैलेंज वीडियो शुरू कर रहा हूँ मैं अब। अपने व्लॉग के साथ साथ अलग से कोई वीडियो नहीं रहेगी, इसी वीडियो के अंदर ही रहेगी। आप सभी सब्सक्राइबर को सिर्फ कमेंट करना है, सिर्फ एक कमेंट करना है कि आप ऐसा कौन सा चैलेंज है जो मेरे से करवाना चाहते हो। नेक्स्ट व्लॉग में मैं उस चैलेंज को कंप्लीट करूंगा 1x1। और एक चीज और है यार, चैलेंज दोगे ना थोड़ा सा ध्यान में रखते हो, ये थोड़ा सा हम गेम ही खेल रहे हैं, चैलेंज दोगे तो थोड़ा सा ध्यान में रखते हो साइलेंटली, लाइक यूं नहीं है कि यार उठा के कह दो हवाई जहाज को सर पे चक ले, कार को एक हाथ से उठा दे, ऐसा नहीं है यार। धूप चली गई है और डार्कनेस और ज़्यादा हो चुकी है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए यार कि मतलब ऐसा डूएबल टास्क होना चाहिए। सबसे पहली चीज़ डूएबल टास्क होना चाहिए। अब डूएबल में भी मेरी लिमिटेशन, जैसे कि यार मैं जो कर सकता हूँ, जैसे कि यार अगर आप मेरे को मान लो मेरे को यूँ बोल दो कि यार 10 डोसे खा जा, तो सबसे पहले मेरे को 10 डोसे खरीदने भी पड़ेंगे यार, मिनिमम 100 रुपये का डोसा आता है, 10 खरीदूंगा 1000 रुपये तो मेरे यहाँ लग गए। तो कॉस्ट एफिशिएंट होना चाहिए, कॉस्टली नहीं होना चाहिए टास्क। और कोशिश ये करोगे ऐसा टास्क हो कि पैसा वैसा खर्च ही ना हो यार, क्योंकि आपको पता है यार मतलब इतना ज़्यादा हाथ तंग ही है यार फिलहाल, पैसों के मामले में हाथ तंग ही है, बस स्ट्रगल कर रहे हैं जैसे भी कर रहे हैं। लेकिन हाँ, एफिशिएंट हो और साथ साथ डूएबल हो और जेन्युइन चीज़ें हों। अगर मैं नेक्स्ट वीडियो में वो चैलेंज कर पाया तो ठीक है, अगर नहीं कर पाया तो मैं खुद सामने से बोलूँगा यार मुझे डेयर दे दो, ठीक है। तो आप सभी को मुझे डेयर देना पड़ेगा, तो आप सभी जो बोलोगे मैं वो करूँगा अगर मैंने टास्क कंप्लीट नहीं किया तो। ट्रुथ एंड डेयर तो नहीं है ये, चैलेंज एंड डेयर कह सकते हो आप इसको, चैलेंज और डेयर है। आप मुझे चैलेंज दोगे, डूएबल होना चाहिए। इसी के साथ भाई कमेंट जरूर कर देना, चैलेंज को कमेंट जरूर कर देना, नया नया चैलेंज हम आप दोगे मुझे और मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको वो करता रहूँगा। ये हमारे आने वाली वीडियोस में प्लान है कि हम वो चैलेंज वगैरह कंप्लीट करेंगे, तो ये बहुत अच्छा रहेगा। प्लीज़ कमेंट करके चैलेंज ज़रूर देना यार, ये सब आपके ऊपर है, चैलेंज आप दोगे और फिर अच्छे से हम लोग इसको पूरा करते हैं। तो भाई अभी बज चुके हैं यार, समय हो चुका 12 बज चुके हैं और ऐसा कुछ खास है नहीं, लाइट चली गई है तो भाई सोना ही बसता है अब तो, और कुछ खास मुझे बस लगता नहीं कि यहाँ है। धूप भी कभी आ रही है कभी जा रही है, कमरे में अंधेरा हो पड़ा है, कुछ खास ऐसा नहीं है। तो चलो थोड़ी देर वेट करते हैं, देखते हैं कुछ काम वाम करते हैं और फिर उसके बाद आपसे मिलते हैं। तो भाई मैं तो अपना आगे यहाँ लेट गया हूँ ना लाइन पे और रजाई में, और लाइट हमारी है नहीं और करने का भी कुछ खास दिख नहीं रहा यार। बस वही है यार, थोड़ा सा बहाना चाहिए होता है किसी काम को ना करने के लिए और फिर मैं तो लेट ही जाता हूँ। तो मुद्दा ये है कि अभी लाइट नहीं है और हमारा वाईफाई का जो मोडेम है वो बंद हो गया है। और मैं क्या देख रहा हूँ यार, वाईफाई आपको इतनी गंदी लत लगवा देता है ना, आप उसके बाद 4G नेट चला ही नहीं सकते। मैं अभी अपना मोबाइल का डाटा यूज़ कर रहा हूँ भाई, ऐसे 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 हो रहा है, मतलब इतना ज़्यादा भी नहीं हो रहा, मतलब हो रहा है और मेरे को ना इरिटेशन होने लगी। तो यार नेट भी नहीं चला सकते और समस्या बहुत गंभीर है, बिना वाईफाई के मतलब एक तरह से ऑक्सीजन सिलेंडर हो गया यार ये वाईफाई, कि भाई इसके बगैर जी नहीं पाओगे आप, कमाल होगी यार मतलब। तो खैर जो भी है, लेकिन अब तो भाई 1-2 घंटा सो लेते हैं, रेस्ट कर लेते हैं और फिर शाम को देखते हैं यार शाम को क्या करना है। और तो चलो अभी सोने दो यार मेरे को और मिलते हैं थोड़ी देर में।
तो भाई खाली बैठा हूँ सुबह से, लाइट गई हुई है ना, घर पे कुछ काम हो रहा, तो आखिर कब तक ऐसे खाली बैठूँगा। तो भाई मोटो व्लॉगिंग के लिए निकल रहे हैं और आज आपको मोटो व्लॉगिंग करवाते हैं और मेरे ख्याल जी जी यू की तरफ लेके चलता हूँ। एक तो मार्केट वाले बस स्टैंड वाले रास्ते से जी जी यू आता है, अब मैं लेके चलता हूँ आपको जो पुरानी सब्जी मंडी है वहाँ से जी जी यू कैसे आता है। तो बैठे बैठे मूड बन गया, तो चलो मोटो व्लॉग करते हैं, आपको सीधा मोटो व्लॉग पर मिलते हैं। फिर से एक नए व्लॉग में मैं मोटो जॉगी नितेश शर्मा आपका फिर से हार्दिक स्वागत करता हूँ। और आज इस मोटो व्लॉग में जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम जी जे यू यूनिवर्सिटी जाएंगे, हालांकि जी जे यू यूनिवर्सिटी के अंदर जाके रिकॉर्ड नहीं करेंगे बिल्कुल भी, क्योंकि यार यूनिवर्सिटीज़ जो होती हैं वो उनका अपना खुद का एक परिसर होता है जिसके अंदर रिकॉर्डिंग और क्या फोटोग्राफी अलाउ नहीं होती, चाहे वो एच यू हो या जी जे यू हो, तो उनके अंदर कभी भी वो रिकॉर्डिंग अलाउ नहीं करते। तो ऐसा इलीगल काम तो हम करेंगे भी नहीं जो परमिशन के ख़िलाफ़ हो, और परमिशन हमने अभी तक ली नहीं है उनसे। तो मोटो जॉगी नितेश शर्मा के साथ बने रहो आप सभी हमारे इस मोटो व्लॉग में। और आज हम जो जी जे यू जाएंगे वो हम बैक साइड से जाएंगे जी जे यू, यानी बस स्टैंड से ना होते हुए हम लोग पुरानी सब्जी मंडी के पुल से होते हुए और जाएंगे जहाँ पर जहाज पुल भी है। तो बने रहो आप हमारे साथ ही। पहले तो ये यार ये पुल तो आपने 50,000 बार मेरे व्लॉग में देख लिया है, तो ज्यादा कुछ नहीं दिखा रहा इस पुल के बारे में, बड़े चलो आप आके सब्जी मंडी वाला पुल उतर के। सब्जी मंडी आपको मैंने 36 बार दिखाई हुई है, ये जो चौक है वो सब्जी मंडी चौक है। और हमें जाना है अभी जहाज पुल से होते हुए, ऑटो मार्केट से होते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो ये वाले इस राइट टर्न लेके मैंने जलेबी चौक दिखाया था, तो अब आज जलेबी चौक ना जाके ये इस रोड पे हम सीधा जाएंगे और सीधा जाके हमें क्या मिलेगा, जहाज पुल। तो बने रहो आप हमारे साथ ही। ये सारा के सारा मतलब लकड़ियों का हब लगा सकते हो, आपको जितनी भी कच्ची लकड़ियाँ वगैरह होगी वो यहीं पे मिलेगी। फर्नीचर वर्क हो गए, लकड़ियों का सारा काम हो गया, ये सारा यहाँ पे मिल जाएगा भाई। जहाज पुल के नाम से फेमस है ये जो चौक है, इस एरिया का नाम जहाज पुल है, कोई पुल वुल नहीं है जिस पर जहाज चढ़ता है, ऐसा कुछ नहीं है कि सिर्फ यहाँ है। यहाँ से राइट टर्न लेके मिल गेट आता था, मैंने आपको पहले बताया भी है। हिसार का बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध फेमस स्कूल जो है PGST स्कूल यहाँ पर है, हमारे बहुत सारे मित्रों ने यहाँ पे पढ़ाइयाँ करी हुई है, PGST सीनियर सेकेंडरी स्कूल, बहुत पुराना स्कूल है ये। और जहाज पुल पे ही एक गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल है मेंस का, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल मेंस का, जो कि बहुत ही ज़्यादा फेमस है, हर बार हरियाणा के टॉप मोस्ट गवर्नमेंट स्कूलों में उसका नाम आता है, जो जहाज पुल सीनियर सेकेंडरी स्कूल है। तो मैं भी कई बार गया हूँ वहाँ पे, तो फिर कभी आपको वो दिखाएंगे, जहाज पुल में ही है। और ये जो चौक है ये आ गया है पड़ाव चौक, ये चौक है पड़ाव चौक। यहाँ से अगर यार सीधा निकल जाएंगे ना तो यहाँ से भगत सिंह चौक आ जाएगा, और अगर सीधा ना जाते हुए हम राइट टर्न ले लेंगे तो आ जाएगी पूरी की पूरी ऑटो मार्केट, हिसार की ऑटो मार्केट। और ये हिसार की ऑटो मार्केट नहीं है, ये एशिया की नंबर वन, एशिया की सबसे बड़ी ऑटो मार्केट है भाई। जो बड़े बड़े ट्रक्स हो गए, बड़े बड़े ऑटोमोबाइल्स का काम जो है वो जो मुंबई चेन्नई बेंगलोर यहाँ पे नहीं होता, वो काम हिसार में होता है। ये पूरा का पूरा एरिया ऑटो मार्केट है, राइट साइड में ऑटो मार्केट फेज 3 मिल जाएगा, और ये फेज 2 और फेज 1। और बाइक्स के शोरूम हो गए, गाड़ियों के शोरूम हो गए, जैसे बजाज का शोरूम हो गया, हीरो मोटोकॉर्प का शोरूम हो गया, तो यहाँ है। और यहाँ सर्व हरियाणा ग्रामीण बैंक भी है, ये सर्व हरियाणा ग्रामीण बैंक है। सीधा 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 चले जाऊँगा मैं तो आ जाएगी जी जे यू, गुरु जमेश्वर यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो यहाँ से सीधा आपको इस लॉन्ग रोड पे जाना, और ये रोड मार्केट के बस स्टैंड जाती है। मैंने आपको पहले भी इस रोड पे लेके आया हूँ, जब मैं अग्रोवा जा रहा था तो इसी रोड से अग्रोवा गया था। तो यहाँ से बढ़ते चलते हैं और
गुरु जमेश्वर यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का बोर्ड आपने देख लिया होगा, और ये है हमारी प्यारी गुरु जमेश्वर यूनिवर्सिटी। और ये पूरी की पूरी यूनिवर्सिटी है, गुरु जमेश्वर यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी होती है। हर प्रकार के कोर्सेज यहाँ पे किए जाते हैं, और हिसार के लगभग अब हिसार के सभी कॉलेज इसी यूनिवर्सिटी के अंडर आते हैं। जब हम पढ़ाई करते थे किसी ज़माने में तो हिसार में कुरुक्षेत्रा यूनिवर्सिटी के अंडर आते थे, जीजीयू के अंडर तो कोई कॉलेज नहीं आता था, जीजीयू खुद ही एक यूनिवर्सिटी थी। तो भाई टाइम हो चुका है रात के 9:15, और जैसा आपने देखा जीजू के वहाँ मोटो व्लॉगिंग करने के बाद मैंने सीधा घर गया, और घर पे थोड़े से काम थे वो काम निपटाए, दोपहर को थोड़ी सी नींद आ गई, और शाम को यार सब्जी वगैरह ख़त्म हो रही थी तो सब्ज़ी मंडी गया था, सब्जी वब्जी लेके आया हूँ, सारे काम करे हैं, उसके बाद थोड़ा सा व्लॉग एडिट वगैरह करा है, काम पेंडिंग था वो कंप्लीट करा है, क्योंकि जैसे पता है यार सुबह से पूरे दिन लाइट नहीं थी तो बिल्कुल भी काम दिन में हो नहीं पाया था, तो सब बस वही काम कर रहा था। तो बस अब खाना वाना खा के आपसे मिलने आए हैं, उम्मीद करते हैं आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा, ये मोटो व्लॉगिंग पसंद आई होगी, और पसंद आई है तो भाई लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें प्लीज़ भाई, ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में कमेंट करो, और यार वो चैलेंज याद है ना तो वो चैलेंज के लिए कमेंट जरूर करना, जैसे जैसे चैलेंज आएंगे वैसे वैसे हम कंप्लीट करते जाएंगे। तो जितने भी मेरे भाई बंधु दोस्त सब्सक्राइबर्स हैं जितने भी हैं, चैलेंज जरूर करो यार, ये चैलेंज हम करके दिखाएंगे, अच्छे से करेंगे। तो इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए गुड बाय, टाटा टेक केयर।